जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। मुझे अब डर लगने लगा। किस चीज से? एतबार टूटने से, मोहब्बत करने से, दिल टूट जाने से। हम मुझ में वो हिम्मत नहीं है। हम इंसान बहुत कमजोर मखलूक हैं। अक्सर दिल के टूट जाने के खौफ में हम मुब्तला रहते हैं। मगर वक्त गुजर जाने पे हमें ये पता चलता है कि दिल से ज्यादा मजबूत चीज तो कोई और है ही नहीं। जो खुशियां और गम हम इस दुनिया में किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो दिल के साथ बांटते हैं। ये दिल ही तो है जो शेयर करता है।
हेलो, कैसी हैं आप? आप इस वक्त? जी, मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। मायरा के फोन से आपका नंबर लिया था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? लेकिन ना, इतनी रात को। जानता हूँ वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था आपसे फोन करके आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने सुना है औरत का दिल काफी नाजुक होता है। उसे हमेशा एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसका गम बांट सके। अगर आप चाहें तो मुझे वो साथी समझ सकते हैं। वैसे अभी तक जाग क्यों रही हैं? नींद नहीं आ रही आपको? वैसे नींद तो आज से मेरी भी उड़ गई है। अच्छा, वो क्यों? आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद एक अजीब सी ट्रांस में हूँ। कई घंटों से सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या सोच रहा है आपका जहन मेरे बारे में? यही कि आप जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की के साथ इतना जुल्म क्यों हुआ? आप तो शहजादियों जैसी जिंदगी डिजर्व करती थी। हर खूबसूरत लड़की की किस्मत में खुशियां नहीं होती, कुछ लड़कियां मेरी तरह बदनसीब भी होती हैं। वैसे आप जिंदगी को एक और मौका दे सकती हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप हमेशा एक मायूसी का ही सामना करें। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, आप बस अपने गम से बाहर निकलें। यूं समझ लें कि वो शख्स आपके लायक ही नहीं था। मैं जानता हूं आप अंदर से टूट चुके हैं। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी आपके साथ ऐसा सलूक करेगी। आप मेरे दिल का हाल इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? वही इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है जिसने खुद दर्द झेला हो। मैंने भी बेवफाइयों का गम झेला है। पहली मोहब्बत मुझे अपनी कजन से हुई थी, जिसने दौलत की खातिर मुझे छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सारी दौलत कमाई और फिर एक अच्छी जीवन साथी मिल भी गई। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब क्या करूंगा मैं इतनी दौलत का, जब मनपसंद साथी ही ना मिले तो? चाहूं तो अभी भी दूसरी शादी कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल भी आपके दिल की तरह डरा हुआ है। अब
अब किसी पे एतबार करने का दिल ही नहीं चाहता। आपके लिए पहले कॉफी बना दूं या खाना लगा दूं? आपके पास इन बातों के सिवा और कोई बात नहीं है ना करने को? ये खाना, चाय, कपड़े वगैरह वगैरह। जी, मैं समझी नहीं। आप रेडी हो जाएं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। कहीं जाना है क्या? मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शौहर होने के फराइज सर अंजाम दिए जाए, आपको शॉपिंग करवाते हैं। मेरे सामने कह रही हैं कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, जबकि मेरी एब्सेंस में आप मेरी ही अम्मी और बाबा को ये शिकायतें करती नजर आती हैं कि ना वो मुझे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, ना वो मेरा ख्याल रखते हैं, ना वो मुझे डिनर्स पे लेकर जाते हैं। कमाल सरबाब, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। आपको कोई गलत फहमी हुई है? गलत फहमी नहीं है मैडम, प्रॉब्लम यह है आयशा कि मुझे मिडिल क्लास लड़कियों का तजर्बा बहुत। जरबाब भाई का रवैया मेरी समझ से बाहर, वो बात बात पर तुम्हारी तजलील करते मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम्हारे कमरे से गुजरते हुए मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जरबाब भाई का रवैया तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन तुम फिकर ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी जरबाब भाई से, समझाऊंगी उन्हें। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने तुमसे कोई शिकायत की है। Thank you.
आइंदा अगर आपको कोई भी काम, ग्रोसरी चाहिए हो या कोई भी काम, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊँ। खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरा नंबर तो है ना आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बस बहादुर बने। बहादुर ही तो नहीं हूँ मैं, इस मुल्क में अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये तो सही कह रही हैं आप, ये माशरा अकेली लड़की को जीने नहीं देता। और वैसे भी ऐसे आवारा लड़कों की तो फितरत ही कुछ ऐसी होती है, बेसारा औरत कहीं लड़की मिलती नहीं है तो उसके साथ ऐसा फायदा उठाने की कोशिश करती है। वैसे मेरी माने तो आप शादी कर लें। इस तरह अकेले से फ्लैट में रहना आपका मुनासिब नहीं है। मैं आपको फोन करके आपकी खैरियत तो पूछता ही रहूंगा, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा, ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। ये चलता रहता है और कामयाब इंसान वही है जो इस वक्त के साथ चलता है, अपनी गलतियों से सीखता है, आगे बढ़ता है। आप भी बस इन चीजों पर गौर कीजिएगा। क्या आपका सामान, चलता हूं। मेरी दुआ है कि आपको बहुत नेक दिल और अच्छी बीवी मिले। और आप, आपका क्या इरादा है, यूं ही तनहा जिंदगी गुजार देंगे? बस यही समझना। अरे नहीं, आपकी अभी उम्र ही क्या है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है आप। बहुत प्यार है, कसम से मैं तो इनकी जुदाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, फिर आ जाएंगे, और तुम्हारे अपना पोते पोती भी तो प्यारे हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, पोता पोती में भी मेरी जान है, लेकिन मेरी मरहूमा अम्मा तुम्हारी नानी कहा करती थी कि नवासे नवासी की तो बात ही अलग होती है, बेटी की औलाद होती है ना जान से प्यारी होती है। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है ये चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, मेरा तो घर ही सूना हो जाएगा इनके बगैर। फिर चली जाती अपने घर। वो तो ठीक है, लेकिन अब जवाब नहीं मानेंगे ना, उन्होंने कहा है वो आज मुझे लेने आएंगे। वो तो इतने एक्साइटेड हैं बच्चों से मिलने के लिए, मरे जा रहे हैं। अल्लाह, होना भी चाहिए, औलाद चीज ही ऐसी है। इतने खुश हैं कि उन्होंने तो बच्चों के कमरे बनवा लिए नए, मेरे लिए एक नया सोने का सेट बनवाया, बता रहे थे मुझे। अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कसम से, अच्छी बात है। अम्मा ये देखना मेरी गुड़िया को, कितनी प्यारी है ना। हाँ चांद सा चेहरा है माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब बच्चे के। आमीन आमीन आमीन। हू बहू हमारे जैसे हैं ये बच्चे, ये बच्ची, ये तो बिल्कुल किरण जैसी है। किरण बचपन में ऐसी थी, इतनी प्यारी गोरी चिट्टी, और ये मेरे मरहूम वालिद साहब जैसा है, ये देखो ना। अल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही, ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल हम पर गए। अच्छा ये बताओ इनके नाम क्या रखने हैं, कुछ सोचा या जरबाब के घर वाले सोचेंगे? अरे क्यों जरबाब के घर वाले सोचेंगे, हम सोचेंगे, हमारा हक है पहला। इसका नाम तो मैं रखूंगी आहद, और इस गुड़िया का नाम मैं रखूंगी कश्यप, बहुत प्यारे नाम है।
वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। आज तुम दोनों की सालगिरह है। कितना खूबसूरत दिन था वो जब मैंने पहली बार तुम दोनों को अपनी गोद में लिया था। माँ बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, सबसे अनमोल खुशी। मगर वो खुशी भी छिन गई मुझसे। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, बच्चे भी काफी खुश थे। इतना खुश देखा नहीं उनको मैंने कभी। टू बी ऑनेस्ट, वैसे इतनी शानदार सालगिरह कभी मनाई भी नहीं गई उनकी। उजाला बता रही थी सारे इंतजाम आपने किए। जी, थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपना फर्ज समझकर किया। अब आपके कहने के मुताबिक मैं अपने फराइज निभाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। आज कॉफी नहीं मिलेगी इस घर में? मैं लेकर आती हूँ। देखो, तुम्हारी आधी बात सुन के ना मेरे पूरे सर में दर्द होने लगा है। कुछ चाय कॉफी पिला। साबरा, एक कप कॉफी बनाकर लाना साहब के लिए, मेरे लिए भी ले आओ। बल्कि बर्थडे पार्टी में कितना मजा आया था। और ये देखो फ्रेम कितनी अच्छी है, मैं अपने वॉल पर लगाऊंगी। इसमें मैं, तुम और मामा बाबा की पिक्चर लगाएंगे।
नहीं बाबा नाराज हो जाएंगे। होने दो नाराज, आई डोंट केयर। डालो, कब से बज रहा है? हेलो, हेलो, कौन है? बोलता क्यों नहीं? मैं हूँ। आपकी मामा? मामा आप? ये आप है क्या मामा? हाँ मैं ही हूँ, आप दोनों की बदकिस्मत माँ। आज तुम दोनों का बर्थडे है ना? शुक्र आपको हमारी बर्थडे तो याद है ना, वरना आप हमें फोन तक नहीं करती। कैसी मामा है आप? अच्छी मामा कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। छोड़ती? मैं जानबूझकर तुम दोनों को छोड़कर नहीं गई। तुम्हारे बाबा ने मुझे घर से निकाला था, मुझे डिवोर्स दिया था। इसीलिए मुझे जाना पड़ा। आपने बहुत बुरा किया है, हमारे साथ भी और अपने साथ भी। और आपको पता है, बाबा हमारे लिए नई मामा लेकर आए हैं, हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो आपकी तरह बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है और बाबा भी उन्हें पसंद नहीं करते। आपको कैसे पता कि पापा उन आंटी को लाइक नहीं करते? वो ना हर वक्त डांटते रहते हैं और उनकी इंसल्ट करते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो औरत मतलब आपकी जो स्टेप मम्मा है, वो कहीं आपको डांटती या मारती तो नहीं? वो मैं नहीं मार सकती, बल्कि वो हमसे डरती है। मैंने तो पहले दीदी बाबा को बोल दिया था कि हमें स्टेप मॉम नहीं चाहिए, लेकिन दादा और दादा चाची ने बाबा को दूसरी शादी के लिए प्रेशराइज किया, तभी उन्होंने दूसरी शादी की है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, ये सब कुछ उजाला ने किया है। उसी की साजिशों की वजह से मैं घर से निकाली गई। बहन नहीं, दुश्मन है वो मेरी। आप एक दफा बाबा से सॉरी तो करके देखिए, वो आपको जरूर माफ करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम अपने बाबा से बोलेंगे कि हमें हमारे मामा चाहिए। हम आपके लिए जरूर लड़ेंगे, आप एक दफा घर पर आए तो सही, सब सही हो जाएगा पहले की तरह। आप आए तो प्लीज। मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप प्लीज वापस आ जाएं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। कश्यप मेरी जान, देखो रोना नहीं, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो गया? आप क्या वापस आ जाएंगी? देखो फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों से मिलने के लिए स्कूल जरूर आऊंगी। और आप दोनों इस बारे में किसी को बताना मत। हम फोन पर बात भी किया करेंगे, लेकिन इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना कि मैं आपसे रابطे में हूँ, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मम्मा मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रही हूँ, आप उस पर ही कॉल करेगा, ओके?
हाँ ठीक है, एक सेकेंड। बेटा आप बताओ। ओके कश्यप, ठीक है, अब मैं आपको इसी पर कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ताफिस। जबाब बच्चों का क्या होगा, प्लीज मेरे मेरे बच्चे ए? मुझे दे दे, मैं नहीं है ये तुम्हारे बच्चे। ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा घटिया साया मैं अपने बच्चों पे नहीं पढ़ने दूंगा। तरस जाओगी इनकी शक्ल देखने के लिए जैसे मेरे माँ बाप तरस गए अपनी बेटी की शक्ल देखने को। कितना काबिले माफी हो, मैं नफरत करता हूं तुमसे। ले जाए इसको। नहीं जबा, 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 नहीं जबा, जबा, अंकल, अंकल प्लीज आज तुम्हें याद है मम्मा बाबा हम चारों कितने मजे करते थे। बाबा मम्मा के साथ बहुत हैप्पी थे और बाबा मम्मा को अरुण डिनर में भी ले जाते थे और मॉल में भी ले जाते थे। पापा मम्मा से बहुत प्यार करते थे। जब से मामा गई हैं तब से बाबा सैड रहने लगे हैं। हम दोनों मिलकर मामा को वापस लेकर आएंगे इस घर में। आहार मामा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मामा ने कहा है वो हमसे स्कूल में जरूर मिलने आएंगी। अब तुम बाबा को कुछ मत बताना और ये भी बात बताना कि वो हमें फोन करती हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। I promise. Promise. मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र इस घर में कभी दोबारा हो। मेरे बच्चे उसे कभी याद करें। बस। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें लेकिन वो उनकी माँ है। औलाद के दिल से माँ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। कितनी बुरी सही लेकिन है तो उनकी माँ ना। नहीं नहीं नहीं, है नहीं, वो थी। इन बच्चों की माँ थी। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के दिल और दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है लेकिन जगह ले नहीं सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका ख्याल रखूं, कि हर चीज का ध्यान रखूं, मगर कोशिश नहीं करनी। आयशा, हाँ आयशा, हाँ कोशिश नहीं करनी आयशा, आपको उनका दिल जीतना ही है हर हाल में। दूसरा कोई चारा नहीं है। बच्चों के हवाले से कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नहीं ये कोई जन्म।